नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 12th के बाद नर्स कैसे बने। तो अगर आप भी एक नर्स बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको नर्स कैसे बने, नर्स बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना पड़ता है, सैलरी कितना मिलता है और इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रोफेशन में अपना करियर बनाने के लिए उस प्रोफेशन से जुड़े कोर्स करने होते हैं। उसी तरह नर्स बनने के लिए आपको GNM कोर्स करना होगा। GNM जिसका फुल फॉर्म जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है, ये नर्सिंग का एक डिप्लोमा कोर्स है जिसे पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन 3 साल 6 महीने की होती है, जिसमें 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। इस इंटर्नशिप में आपका पैरा मेडिकल प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको नर्स की डिग्री मिलती है और फिर जाकर आप किसी भी अस्पताल में एक नर्स के रूप में कार्य कर सकते हैं। GNM का कोर्स करके आप किसी भी हॉस्पिटल में नर्स बन सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं GNM कोर्स कैसे करें। दोस्तों, GNM कोर्स करने के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं करना पड़ता है। बस आपको अपनी 12वीं साइंस स्ट्रीम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के साथ पास करनी है। उसमें भी कम से कम आपके 40% तो होने ही चाहिए, तब जाकर आपका किसी कॉलेज में एडमिशन होगा। अगर इससे कम हुआ तो कोई कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा। अगर आप किसी अच्छे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 12वीं में अच्छे परसेंटेज लाना होगा। इसके अलावा नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपकी उम्र 17 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप नर्स बनने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं नर्स का क्या काम होता है। नर्स का काम हॉस्पिटल में बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है, क्योंकि उन्हें ही हॉस्पिटल के हर एक मरीजों की देखभाल करनी होती है। उन्हें समय समय पर दवाई देने का काम नर्स का ही होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सिर्फ मरीजों का इलाज करते हैं, उसके बाद देश भर की सारी जिम्मेदारी नर्सों की होती है। नर्स को हॉस्पिटल में उपयोग हो रहे उपकरणों की भी देखभाल करनी होती है। एक नर्स की कितनी सैलरी होती है। दोस्तों, GNM का कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, ये सवाल कई लोगों को परेशान करता है। तो आपको बता दे कि भारत में एक फ्रेशर नर्स की सालाना सैलरी 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए तक होती है, जबकि एक अनुभवी नर्स 7 से 8 लाख रुपए प्रति महीना कमाती है। इस फील्ड में आपका अनुभव जितना बढ़ेगा आप उतना ही ज्यादा कमा पाएंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।